Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about National Voters Day. And this topic is important from a cerebral GS paper to Indian polity point of view. सो so, आज का दिन यानी कि 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे की तरह हमारी देश में मनाया जाता है एंड दिस इज नेशनल वोटर्स डे क्योंकि नेशनल वोटर डे 2011 से हमने मनाना शुरू किया हमारे देश में तो देखते हैं और नेशनल वोटर्स डे के बारे में ज़रा समझते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी एवरी ईयर एंड दिस सेलिब्रेशन बिगन सिंस 2011 तो आखिर क्या सिग्निफिकेंस है ट्वेंटी जनवरी का वो भी ज़रा समझते हैं देखिए पच्चीस जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन दिस डे इट्सल्फ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज़ फाउंडेड और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो उन्नीस में 25 जनवरी को इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड दैट इज वेद दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे द मेन पर्पज ऑफ दिस सेलिब्रेशन इज टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस अमंगस् द सिटीजन्स एंड इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस तो नेशनल वोटर्स डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाए 2023 इस साल का नेशनल वोटर्स डे का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ट्रॉपिक्स एंड एम्फेक्स नेवल एक्सरसाइज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर थ्री डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए करंट न्यूज ये है कि इंडियन नेवी ने एक साथ दो हाल फिलहाल में नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराए हैं ट्रॉपिक्स एज वेल एज एम तो दोनों के बारे में जरा समझेंगे दोनों का क्या मेन पर्पस है वो भी जरा समझेंगे तो 2023 एडिशन ऑफ ट्रॉपिक एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी हैज बीन रिसेंटली गोइंग वे अंडर वे तो ट्रॉपिक का फुल क्या है देखिए ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज तो इसका मेन पर्पस होता है कि इंडियन नेवी को रेडी रखना फॉर एनी कंटिजेंट एक्शन तो सडन अगर अटैक हो जाता है हमारे ऊपर उस केस में इंडियन नेवी कैसे काउंटर अटैक करती है हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए उस प्रेडनेस क्रिएट कराने के लिए ट्रॉपेस एक्सरसाइज कराया जाता है तो इट इज़ मेनली कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी टू इंश्योर प्रिपरेडनेस ऑफ इंडियाज डिफेंस अगेंस्ट फॉरिन अटैक एंड काउंटर डिफेंस ये जो ट्रॉपिक एक्सरसाइज है ये बाई एनियल एक्सरसाइज है यानी कि हर दो साल में एक बार होता है तो लास्ट टाइम इट वॉज कंडक्टेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल का ट्रॉपिक एक्सरसाइज कराया जा रहा है काकीनाडा में उसके बारे में हम आगे देखेंगे लेकिन उसके पहले एक और बात समझिए द मेरी टाइम एक्सरसाइज ये जो ट्रॉपिक एक्सरसाइज होता है मेनली इट इज़ कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी बट इसमें इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स अलॉन्ग विद कोस्ट गार्ड्स दे ऑल्सो पार्टिसिपेट ताकि इंटरऑपरेबिलिटी ये सारे फोर्सेज एक साथ कॉर्डिनेशन में या इंटरऑपरेबल तरीके से एक्ट कर पाएँ इन फेस ऑफ एनी फॉरन अटैक उसको प्रमोट करने के लिए यह ट्रॉपिक एक्सरसाइज कराया जाता है तो मेनली लेड बाई इंडियन नेवी याद रखिएगा बट इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स कोस्ट गार्ड्स ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन इन दिस ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग्स दीज फोर्सेस दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप, ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज के अलावा एक और एक्सरसाइज हाल फिलहाल में इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया उसका नाम है एम तो इंडियन नेवी ऑल्सो कंडक्टेड बाई एनियल ट्राई सर्विस एम फी बी एस एक्सरसाइज एम फी बी एस एक्सरसाइज इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कंडक्टेड इन वाटर इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड ऑन लैंड तो लैंड और वाटर दोनों ही जगह पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया इसलिए इसको कहा जाता है एम फीबीएस एक्सरसाइज और इस एम फीबीएस एक्सरसाइज को भी तीनों ही हमारे जो आर्म फोर्सेज इंडियन नेवी आर्म फोर्सेज इंडियन नेवी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स तीनों ने मिल कर के कंडक्ट कराया है और इसका नाम है एम एंड दिस हेज़ बीन कंडक्टेड एट काकीनाडा in आंध्र प्रदेश फ्रॉम जनवरी 17 टू ट्वेंटी टू तो माफ़ कीजिएगा मैंने जब कहा था कि ट्रॉपिक्स वॉज कंडक्टेड इन नाडा दैट वॉज रॉन्ग ट्रॉपिक्स तो एक जनरल एक्सरसाइज है इट हैज कंडक्टेड अक्रॉस द मेरी टाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया जो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर की अलॉन्ग मेरी टाइम बाउंड्री है सारे इसके अलाग ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कराया गया है इट वॉज द एम फिक्स एक्सरसाइज दैट वॉज कंडक्टेड एट काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश एम नाम से ही समझ आ रहा है आपको इसमें एम फी बी एस एक्सरसाइज है मतलब एन एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर तो एम इज एम्ड एट ज्वाइंट ट्रेनिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द थ्री सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इन द वेरियस फेटसेट्स ऑफ एम फी बी एस ऑपरेशन टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सीनर्जी तो फेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेटेड एम फीबीएस कैपेबिलिटी यानी कि लैंड पे या वाटर पे साइमल्टेनियस तरीके से कोर्डिनेट करके काउंटर अटैक करने की कैपेबिलिटी को एग्जिबिट कराया गया इन एम फेस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक्सरसाइज इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पॉक्सो एक्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन आसम क्ट एंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर्म आर पॉक्सो एक्ट के बारे में प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरेजेज इन आसाम और दोनों कैसे रिलेटेड है वो भी जरा देखेंगे देखिए पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट एंड दिस एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू थाउजेंड ट्वेल्व तो इस एक्ट के हिसाब से चिल्ड्रेन हैव हाँ बिन डिफाइंड एज दोज इंडिविजुअल्स हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और इस एक्ट में चिल्ड्रेन के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस करने वालों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में प्रोविजंस लिखा गया है सो so, चिल्ड्रेन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस करने को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया बताया गया है ऑफ कोर्स एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल अफेंस इज क्रिमिनल ऑफेंस बट चिल्ड्रेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है दैट इज काउंटेड अंडर पॉक्सोज एक्ट और उसके अंदर जो पनिशमेंट हैं और यह पेनल्टीज हैं दे आर ऑफ हाइयर डिग्री और मैग्नीट्यूड तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चिल्ड्रेन हैव बीन डिफाइंड एज दोज इंडिविजुअल्स हु आर बिलो 18 इयर्स ऑफ एज बट इस एक्ट में एक बात और ध्यान देने वाली है कि दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं है कि दिस एक्ट कंसिडर्स सेक्सुअल ऑफेंस ओनली अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड और सो ऐसा सवाल एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल ऑफेंस ओनली अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस दैट इज नॉट ट्रू

बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स चिल्ड्रेन इन पोर्नोग्राफी सो इफ चिल्ड्रेन आर मेड टू पार्टिसिपेट इन पोर्नोग्राफी और इवन फोर्स टू वॉच पोर्नोग्राफी सच कुट्स कुड भी कंसिडर्ड एज एन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन है ऑफ एग्रीवेटेड क्राइम एग्रीवेटेड क्राइम वेन अ क्राइम इज कंडेड अगेंस्ट अ चाइल्ड हु इज मेंटली इल और वैन there is abuse of power by a person who is holding the position of trust जैसे कि a person like doctor, teacher, policeman maniyा family member तो मुद्दा ये है कि अगर कोई mentally child के mentally ill child के खिलाफ sexual offence होता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको position of trust hold कर रहा है जो जैसे doctor है, teacher है, police maniyा है, family member है अगर ऐसा इंसान सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है अगेंस्ट अ चाइल्ड तो इस केस में जो पेनाल्टी है या पनिशमेंट है दैट वुड बी ऑफ हाइयर डिग्री एंड दिस क्राइम वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीवेटेड क्राइम उसके अलावा पॉक्सो एक्ट में जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इसको ज़्यादा ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली रखने की बात की गई है ताकि बच्चों के ऊपर कोई ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्कार या निगेटिव इम्पैक्ट ना हो बार बार पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ना पड़े ऑनलाइन कंप्लेन करने की भी सुविधा बनाई गई है इसके लिए पॉक्सो ई बॉक्स बनाया गया है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट है दैट इज टू डेथ सेंटेंस पॉक्सो एक्ट को 2019 में अमेंड भी किया गया था और कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड किए गए थे उसको भी आपको समझना चाहिए एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस तो अगर आपको पता है कि आपके आस पड़ोस में अगर किसी बच्चे के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इन दैट केस यू विल बी ऑल्सो काउंटेड एज अ पर्सन कंडक्टिंग अ क्राइम तो दैट ऑल्सो विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपको पता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इन अ मैंडेटरी फैसन अदरवाइज अ चार्ज कैन बी पुट अगेंस्ट यू एस वेल इट मेक्स इट लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अवेयर ऑफ दफेंस टू रिपोर्ट टू द सेक्सुअल अब्यूज इनकेस ही फेल्स टू डू सो द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद सिक्स मंथस ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन तो ये जो नया अमेंडमेंट है इसके हिसाब से नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर अ पर्सन हु इज अवेयर ऑफ सच सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन और अदरवाइज देयर विल भी फाइन और पनिशमेंट टू दैट पर्सन एज वेल The new amendment also prescribes punishment to the people who traffic children for sexual purposes. The act also provides for punishment against false complaint or untrue information. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं तो देखिए हाल फिलहाल में असम सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट स्टेप उठाते हुए अभी एक फैसला सुनाया है जहां पे उन्होंने कहा है कि चाइल्ड मैरिजेज जिन जिन जगहों पे हो रहा है और जहाँ पे भी फोर्सफुल तरीके से चाइल्ड मैरिज कराने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे असम पुलिस को असम सरकार ने एक तरीके का अप्रूवल दिया है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन और इस तरह के केसेस में जहाँ पे फोर्सफुली चाइल्ड मैरिजेस कराए जा रहे हैं उन तरह के केसेज में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर करने को कहा है असम सरकार ने अगेंस्ट दोज़ फैमिली मेम्बर्स हु आर फोर्सिंग चिल्ड्रेन टू गेट इन टू तो जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हैज़ गिवन नोट टू द पुलिस टू लॉन्च अ क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड मैरिज अक्रॉस द स्टेट द क्रैक डाउन विल इंक्लूड अरेस्ट एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज हु इंडल्ज और फैसिलिटेट चाइल्ड मैरेजेज एंड चाइल्ड मैरेजेज और अर्ली मैरिज हैज़ बीन अ बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड स्टेट्स हाई रेट ऑफ मटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी देखिए जब यंग गर्ल्स की खासकर 18 ईयर से कम एज की गर्ल्स की शादी करा दी जाती है एंड देन इफ दे समहाउ गेट प्रेग्नेंट तो उस केस में मैटरनल या चाइल्ड मोर्टलिटी uh, के केसेज इन्फेंट मोर्टलिटी के चांसेज ज़्यादा हो जाते हैं सो द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन असाम इज अर्ली मैरिजिज उसके अलावा माल न्यूट्रीशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिजिज वैन द वुमेन बॉडी इज़ नॉट रेडी और द गर्ल्स बॉडी इज नॉट रेडी टू कंसीव एंड इन दैट केस इफ सी इन टू कंसिविंग अ चाइल्ड दैन दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन बोथ द मदर एज वेल एज द चाइल्ड इसलिए आसाम सरकार ने अब असाम पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे केसेज में आप पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल करें और ऐसे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या नियर रिलेटिव हैं जो बच्चों की फोर्सफुल मैरिजेज करा रहे हैं उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिजिज इन असाम दैट विल हेल्प अस इन राइटिंग एन आंसर तो देखिए मिनिमम मैरिजेबल एज हमारे देश में अभी भी 18 साल है फॉर गर्ल्स जिसको अभी हाल फिलहाल में सरकार बढ़ा करके 21 साल करने का प्लान कर रही है आफ्टर जया जेटली कमिटी रिकमेंडेशन इस कॉन्टेक्स्ट में एक बिल भी रखा गया है पार्लियामेंट में अभी वो पास नहीं हुआ है तो अभी के लिए तो मिनिमम मैरिजेबल एज 18 ईयर्स है जिसको सरकार 21 तक बढ़ाना चाहती है लेकिन 18 ईयर्स का जो मिनिमम मैरिजेबल एज है उससे भी पहले कई सारे हमारे स्टेट में गर्ल्स की मैरिजेज हो जाती हैं फॉर एग्जाम्पल आज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर फाइव डेट रिसेंटली रिलीज इट्स डेटा इसके हिसाब से 31.8 परसेंट वीमेन इन आसाम वे आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज तो उन्होंने जो सर्वे किया 20 से 24 साल के बीच के एज की विमेन का सर्वे किया और उस सर्वे में पता चला कि उनमें से 31.8% परसेंट वीमेन वे मैरिड इवन बिफोर दे अटेंड द एज ऑफ 18. तो असम के अंदर जो ये चाइल्ड मैरिजेस का जो रेट है स्पेशली अमंग्स द वीमेन या गर्ल्स दैट इज मच हाइयर दैन द नेशनल फिगर यानी कि हमारे देश में भी ओवरऑल वीमेन का बिफोर 18 मैरिज होने के बाकी स्टेट्स में भी ऐसे केसेज हैं बट इंडियाज एवरेज इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट वेल आसाम एवरेज इज मच हाइयर दैन नेशनल एवरेज एंड इट इज समवेयर क्लोज टू थर्टी वन पॉइंट एट परसेंट लेकिन अगर बात की जाए कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वेस्टर्न आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्स की जैसे कि धुबरी या साउथ सलमारा डिस्ट्रिक्ट की तो हियर द प्रॉब्लम इज इवन मोर अक्यूट किसी फिफ्टी परसेंट ऑफ द विमेन were married मैरिड बिफोर years of ऑफ एज इन धुबरी एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एंड फोर्टी फोर पॉइंट सेवन परसेंट वीमेन इन साउथ सलमारा वे मैरिड बिफोर दे अटेंड एटीन इयर्स ऑफ एज एंड दिस वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे कंडक्टेड बिटवीन विमेन ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ एज तो इस उम्र की वीमेन से जब डेटा मांगा गया और सर्वे किया गया तो पता चला कि उनमें से लगभग पचास प्रतिशत वीमेन जो है देवे आर मैरिड इवन बिफोर द एज ऑफ सो द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिजिज आई इज मच हाइयर इन द वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम एंड दैट इज द रीजन वाई द प्रॉब्लम ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इज मच हाइयर इन द वेस्ट आसाम स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट लाइक धुबरी एंड साउथ सलमारा तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप डेटा के साथ कनेक्ट करके आप एक फैक्चुअल एविडेंस पुट्स कर सकते हैं कि देर इज ए स्ट्रांग को रिलेशन बिटवीन अर्ली मैरेजेस एंड हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी द नेक्स्ट आर्टकल इज अबाउट बाल पुरस्कार दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्सिलेबस जी एस पेपर फाइव एस आईज पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो पहले बाल पुरस्कार के बारे में देखेंगे फिर मुझे लगता है कि आपसे ए पी एस सी फिल्म में पूछा जा सकता है कि आसाम से किसको बाल पुरस्कार मिला दैट इज वाई एम सिंग की आसाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले बाल पुरस्कार के बारे में जरा समझते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रेन इज अ सिविलियन ऑनर इन इंडिया और ये दो कैटेगरीज में बच्चों को दिया जाता है एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार और एक हो, दूसरा होता है बाल कल्याण पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार इज गिवन टू द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ एटीन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट सोशल सर्विस आर्ट एंड कल्चर ब्रेवरी ऑन स्पोर्ट्स और दूसरा कैटेगरी होता है बाल कल्याण पुरस्कार इट इज अवार्डेड टू द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर तो ध्यान दीजिएगा बाल शक्ति पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है जो अलग अलग फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं और बाल कल्याण पुरस्कार उन लोगों को या ऑर्गनाइजेशन को दिया जाता है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ये दोनों ही अवार्ड्स आते हैं अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दीज टू अवार्ड्स हैव बीन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड दीज अवार्ड्स आर गिवेन और कन्फर्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द वीक प्रिसीडिंग रिपब्लिक डे तो अभी जैसे रिपब्लिक डे का वीक चल रहा है अभी तो अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जा रहे हैं इसी वीक में फिर पद्मा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं तो कल के न्यूज़ पेपर एनालिसिस में हम लोग इस साल किनको किनको पद्मा अवार्ड मिला है वो भी ज़रा देखेंगे आज हम लोग देख रहे हैं बाल पुरस्कार के बारे में तो न्यूज़ ये है कि हमारे देश से ग्यारह बच्चों को दिया जा रहा है इस साल का बाल शक्ति पुरस्कार फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी सिक्स डिफरेंट फील्ड्स आर्ट एंड कल्चर ब्रेवरी इनोवेशन स्कॉलिस्टिक सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स बाल पुरस्कार के अंदर एक कैश प्राइज ऑफ वन लाख रुपी एंड ए सर्टिफिकेट प्लस एक मेडल दिया जाता है अब इसमें से आपको पीटी पर्सपेक्टिव से यह याद करना है कि हमारे स्टेट आसाम से श्रेया भट्टाचार्य जी को हु तबला आर्टिस्ट फ्रॉम आर स्टेट हैज बिन कन्फर्ड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दैनिक शार्टली इज अबाउट वाई ट्वेंटी सबमिट यूथ ट्वेंटी सबमिट ये आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है ज़्यादा इसमें कुछ मेन्स uh, पर्सपेक्टिव uh, का है नहीं तो देखिए इस बार जो जी ट्वेंटी सबमिट इंडिया में हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और सबमिट कराई जाएगी वाई ट्वेंटी सबमिट यूथ सबमिट यूथ ट्वेंटी सबमिट इज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन द साइड लाइन्स ऑफ जी ट्वेंटी सबमिट एंड इट विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी फ्रॉम सिक्स टू एट फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो सिंस इट इज हेल्ड इन गुवाहाटी ये आने वाले ए पी एस सी फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाई ट्वेंटी सबमिट टू बी हेल्ड इन गोहाटी फ्रॉम सिक्स टू एट्थ फेबरवरी और ये जो वाई ट्वेंटी सबमिट इसका थीम होगा क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलियशन यूथ इन डेमोक्रेसी तो इसके पाँच थीम है टोटल ये पाँचों थीम आपको याद रखने होंगे प्रेजेंट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्ष, अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट इन दिस फाइव फील्ड्स तो जो भी यूथ हैं दे कैन कंट्रीब्यूट इन द थीम्स लाइक फ्यूचर ऑफ वर्क क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पीस बिल्डिंग रिकनसिलियसन एंड यूथ इन डेमोक्रेसी द वाई ट्वेंटी सबमिट इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अलाउ यूथ टू हैव कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मतलब जी ट्वेंटी जो सबमिट होने वाली है हो उसी के साइडलाइंस में यूथ ट्वेंटी सबमि भी हो रही है गुवाहाटी में जो उसी जी ट्वेंटी से एसोसिएटेड जिसमें यूथ को इंकरेज किया जाएगा टू टेक अप द चैलेंजेस दैट इज गोइंग टू बी फेस्ड बाई द वर्ल्ड इन फ्यूचर बिकॉज यूथ ऑफ टूडे आर गोइंग टू बी लीडर्स ऑफ टूम कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड परम वीर चक्र इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड एब्सोलूटली राइट बट ओनली मेंबर्स फ्रॉम आर्म फोर्सेस कैन बी सेलेक्टेड फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिस इज रॉन्ग मेंबर फ्रॉम ऑल अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज कैन ऑल्सो भी गिवन गैलेंट्री अवॉर्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन ऑनली मिसन इंद्रधनुष इज एन इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन प्रोग्राम That's all from our side for today. Thanks for watching.